नमस्कार साथियों, सभी का बीएसआर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, लंबे समय से पीटीटी का वीडियो नहीं आ रहा है, इसकी वजह है टाइम नहीं मिल पा रहा है और आज मुझे थोड़ा टाइम मिला, मैं आपके साथ पीटीटी का ये वीडियो साझा कर रहा हूँ जिसके अंदर आपको पता है काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो शुरू है, क्या आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो शुरू है और आपकी जो फर्स्ट लिस्ट है क्या आपकी जो फर्स्ट लिस्ट है वो आपकी 17 तारीख को अलॉटमेंट होने की तारीख है, 17 तारीख को यानी 17 जुलाई को। अब पहला क्वेश्चन तो आपका ये है कि सर ये 17 जुलाई है, ये डेट आगे बढ़ेगी क्या? बिल्कुल दोस्तों, ये 99% डेट है वो आगे बढ़ सकती है और डेट को काउंसलिंग के डेट को भी बढ़ाया जा सकता है। अगर नहीं बढ़ाया जाए तो बाद के अंदर आपको फिर से एक बार दोबारा पूरा होने के बाद दोबारा काउंसलिंग का मौका है वो दिया जा सकता है। क्यों दिया जा सकता है? क्योंकि राजस्थान के अंदर अभी तक विभिन्न प्रकार के बीए फाइनल का और बीएससी फाइनल का विभिन्न प्रकार की यूनिवर्सिटी का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है तो अपन कह सकते हैं डेट बढ़ेगी। अब कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर ये फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ है वो कितनी रहेगी? तो दोस्तों, फर्स्ट लिस्ट की जो कट ऑफ है मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं कि फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ कितनी जाएगी। अगर आप आर्ट्स कैटेगरी से हो, अगर फर्स्ट लिस्ट जनरल से हो, अगर जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आपके नंबर 340 प्लस नंबर है, 340 प्लस नंबर है तो आपको कॉलेज मिल जाएगी। फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ बता रहा हूं आपको। इसके साथ में अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो ओबीसी के अंदर अगर आपके 330 प्लस नंबर है तो आपको कॉलेज मिल जाएगी। एडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो आप, एडब्ल्यूएस से, तो आपके 320 प्लस के अंदर कॉलेज अलॉट हो जाएगी। एससी और एसटी से हो, एससी और एसटी से हो तो आपको कॉलेज यहाँ पर 310 प्लस और यहाँ पर 300 प्लस के अंदर मिल जाएगी। ये कट ऑफ है वो आर्ट्स फर्स्ट लिस्ट की रहने वाली है। साइंस की मैं बात करूँ भाई, साइंस की कट ऑफ फर्स्ट लिस्ट की इतनी जाएगी, जनरल कैटेगरी 370 प्लस, ओबीसी कैटेगरी 360 प्लस, एडब्ल्यूएस कैटेगरी 300, एससी और एसटी की बात करें तो ये कट ऑफ चली जाएगी 330 प्लस और 300 आपकी बात करें ये 320 प्लस। तो साइंस की कट ऑफ ये रहेगी, टू ईयर की कट ऑफ की मैं बात करूं फर्स्ट लिस्ट की, ये हो गया। अब कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर अपवर्ड मूवमेंट को लेकर जो बात चल रही है वो बता दो हमें। तो दोस्तों, अपवर्ड मूवमेंट को लेकर बातचीत अगर मैं कर रहे हूं तो ऐसा है कि मान लो आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर आपने 6 कॉलेज भरी, 6 कॉलेज में से आपको मिल गई 4 नंबर की कॉलेज मिल गई। तो अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं है तो आप क्या करोगे? पहले 22,000 की फीस जमा होगी ई मित्र पर, उनके बाद जो कॉलेज आपको मिली है उसके अंदर आपको ऑफलाइन जाके रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी, ऑफलाइन रिपोर्टिंग करवाने के बाद ठीक है फिर आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको होगा क्या, 28 तारीख को आपको अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आएगा अभी के दिनांक के अनुसार, फिर आपको कॉलेज मिल जाएगी। आपको 4 की मिल सकती है, 3 नंबर की मिल सकती है, 2 की मिल सकती है, 1 की मिल सकती है, ये होता है अपवर्ड मूवमेंट। और फिर से आप इन्हीं कॉलेज के अंदर जो मिली है पहले वाली कॉलेज से आपकी सीट रद्द हो जाएगी और जो अब मिली है उसके अंदर आपकी सीट है वो शिफ्ट हो जाएगी, ये बात होगी। अब दोस्तों, जिन विद्यार्थियों के नंबर 270 प्लस है, टू ईयर के अंदर जिनके भी 270 प्लस है उन्हें अपने गृह जिले के अंदर कॉलेज मिल जाएगी आराम से अगर आप अपवर्ड मूवमेंट कराओगे, और जिन विद्यार्थियों के नंबर 240 प्लस है और 270 तक है उन्हें ऑल राजस्थान में कॉलेज मिल जाएगी, और राजस्थान के अंदर कॉलेज मिल जाएगी। 250 प्लस वाले विद्यार्थियों को कॉलेज अलॉट जरूर हो जाएगी। साइंस की मैं बात करूं तो यहाँ पर लगभग 300 प्लस नंबर वाले विद्यार्थियों को अपने जिले विशेष के अंदर कॉलेज मिल जाएगी, और मैं बात करूं साइंस ठीक है, और बात करूं कम से कम नंबर की या पर ज्यादा से ज्यादा पर बात करूं तो यहाँ पर अगर आपके नंबर 280 के समथिंग है अगर एस सी एस टी की बात करें तो उनको अपने कॉलेज है वो अलॉट आराम से राजस्थान की श्रेणी से हो जाएगी ठीक है। और दोस्तों, आपका कोई भी डाउट है आप व्हाट्सएप में से जरूर करें, 78 52 83 35 49 व्हाट्सएप में से जरूर करें, और डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, ज्वाइन जरूर कर लीजिए। और पीटीटी के रिकॉर्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैसेज जरूर करें, ये नंबर है व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, प्लीज कॉल न करें तो अच्छा है, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें ताकि हर एक आने वाली पीटीटी की नोटिफिकेशन है मैं आपको दे सकूं। साथ में आपको मैं एक बात और बता देता हूं, अगर आपने अभी तक बीएसआर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपको बीएड से रिगार्डिंग 3 सालों से बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जा रहा है किस प्रकार कॉलेज आपको मिलती है, किस प्रकार अलॉटमेंट होता है,
किस प्रकार कॉलेज के अंदर ऑफलाइन रिपोर्टिंग होती है, इंटर्नशिप की डायरिया वगैरह, विभिन्न प्रकार की तमाम जानकारी आपको बीएसआर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर लिस्ट कितनी जारी होगी, तो लिस्ट में आपको बता दूं कि जब तक सीटें पूरी बुक न हो जाए, पूरी सीटें बुक न हो जाए तब तक लिस्ट आती रहेगी। आपकी 7 लिस्ट आ सकती है, 8 लिस्ट आ सकती है, 9 लिस्ट आ सकती है, 10 लिस्ट आ सकती है। अपवर्ड मूवमेंट का जो मौका है वो पहली लिस्ट वालों को और दूसरे लिस्ट वाले को दो को मिलता है। पहली लिस्ट के अंदर जिनका नाम आ गया उनको दो बार मौका मिलेगा और सेकंड लिस्ट के अंदर उनको एक ही बार मौका मिलेगा। तो अपवर्ड मूवमेंट के लिए विशेष ध्यान रखिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप तैयार वगैरह कर लीजिए। जिनकी छात्रवृत्ति आती है उनको जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आवश्यकता होगी। 6 महीने से अधिक जाति प्रमाण पत्र आपका नहीं चलेगा। अगर आपके पास जाति 6 महीने पुराना है तो एक बार तो रिपोर्टिंग के लिए चल जाएगा, लेकिन फिर से आपको दोबारा रिन्यू कराकर कॉलेज के अंदर सबमिट करवाना पड़ेगा। इसके अलावा आपकी जो भी कोई भी इंक्वायरी है आप पूछ सकते हैं बेझिझक, क्योंकि बीएसआर स्टडी पॉइंट और मैं भैरव सिंह राजपूत आपकी तमाम जानकारी के साथ बीएसआर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर संभव यह प्रयास करूंगा कि आपको सही और सटीक न्यूज मिलती रहे। जितना उसके इस वीडियो को आप शेयर वगैरह जरूर करें, मिलते और शानदार अच्छी जानकारी के साथ अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।